हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी में। ऑलरेडी आप दो लेक्चर देख चुके होंगे और ये जिनका भी पहला लेक्चर है उनसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले दो लेक्चर जो हुए हैं उसको ज़रूर देखिएगा। साथ के साथ आपको मैं बता दूँ फॉर्म के बारे में, अन अकेडमी गेट का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप देख पा रहे हो इसमें हमारे AIR 1 की बस बात कर रहा हूँ मैं। AIR 1 हमारे सात रहे हैं तो और बेहतर होगा, पक्की बात। ठीक है, तो ये तो क्वालिटी बताता है कि यार आप कितने रैंक करते हो। ऑब्वियसली मेहनत करेंगे, है ना, सही से जो कहते हैं उसको फॉलो करेंगे तो रैंक तो बनेगा ही बनेगा। साथ के साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और ये जो रैंक है का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी आप अनलॉक कर सकते हैं अपना गेट का सब्सक्रिप्शन जो है 50% ऑफ के साथ। ये जो है ये वैलिड है टिल September 12। ठीक है, और इसके लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कोड बता देता हूं कि और क्या है। इसके अलावा इंडियाज बिगेस्ट कॉम्पैट फॉर द गेट एंड ESE एस्पिरेंट्स, इसके लिए आप रजिस्टर करेंगे। अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आप में ललक है कि यार हम तो प्रिपरेशन करना है हमको, तो इसमें रजिस्टर कर लीजिए। आपको गेट में 100% स्कॉलरशिप गेट एंड ESE के सब्सक्रिप्शन में ये तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपके पास चांस है कि आप लैपटॉप जीत सकते हैं, टैबलेट जीत सकते हैं, स्पीकर जीत सकते हैं, आप गिफ्ट वाउचर्स जीत सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको, इसके अलावा आपको कॉम्बैट जब होगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बड़ा मजा आने वाला है, तो पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। रजिस्टर कर सकते हैं अभी। और ये जो कॉम्बैट होने वाला है ये 22 सितंबर को होने वाला है, 11 रजिस्टर कर लीजिएगा फटाफट। इसके अलावा जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं और वो उनके पास अगर एक प्लान कोर्स नहीं है तो आप फटाफट अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें ज्वाइन कीजिए प्रतिष्ठा बैच गेट 2024 वाले स्टूडेंट। बैच अभी स्टार्ट हो चुका है ना, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरा रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर दोनों मिलने वाले हैं इस बैच में। इसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरा कोड DC3333 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज माई कोड। इसके अलावा जो स्टूडेंट गेट 20 के लिए जाना चाह रहे हैं वो शिखर बैच ज्वाइन करेंगे, वो शिखर बैच ज्वाइन करेंगे, वो बैच स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल। इसमें भी आप रजिस्टर करने के लिए फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट मेरा कोड यूज कर सकते हैं DC3333। This is my code. इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है दोस्तों। ये लिस्ट ऑफ बुक्स है जो कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है। देखिए, जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो आपको दो सब्सक्रिप्शन दिखेंगे, एक प्लस दिखेगा, दूसरा आइकॉनिक, चाहे आप गेट 2025 के लिए जाए, गेट 2026 के लिए जाए। तो प्लस में क्या होता है कि आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो टॉप एजुकेटर्स हम पढ़ाते हैं वो तो आपको देखने को मिलता ही है, है ना। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास डिजिटल नोट्स होते हैं, आपके पास PYQ का ऑप्शन हो जाता है, आपके पास टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलता है। आइकॉनिक में जो प्लस में मिल रहा है वो मिलेगा, साथ के साथ 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, कस्टमाइज डाउट सॉल्विंग का ऑप्शन है, और उसके अलावा ये जो लिस्ट ऑफ बुक्स आपको दिख रहा है बोर्ड पे, है ना, ये विद इन 15 डेज हार्ड कॉपी, जैसे ही आप कोर्स में रजिस्टर करते हो तो हार्ड कॉपी आपको दिया जाता है, होम डिलीवर किया जाता है। वो जो किताबें होंगी उसमें थ्योरी भी रहेगा, बहुत बढ़िया से थ्योरी ऑर्गेनाइज मैनर में है, है ना। उसके अलावा उसमें एग्जाम भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, तो वो सारी चीजें आपको मिलेगी। बट आप रजिस्टर कर सकते हैं दोस्तों, वो सब्सक्रिप्शन आप अभी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिडंडेंसी इसके बारे में जान रहे थे और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, है ना, ये हम चर्चा कर चुके हैं। अब उसी के आगे अगर हम बात करें कि यार डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो सबसे पहले कुर्ज़बैक का इक्वेशन था, सिंपल फॉर्मूला, दैट इज द एप इज इक्वल टू 3L-1-2J-H, ये सिंपल, है ना, फॉर्मूला था। उसके बाद
हमने देखा था कि आपका ये जो फॉर्मूला है इसको मॉडिफाई किया गया, रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट आया, सारी चीजें हम देखें। मैं कह रहा हूं कि एक मैकेनिज्म जिसमें कोई रिडंडेंसी नहीं है, कोई रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, कोई रिडंडेंट लिंक ज्वाइंट नहीं है, साथ के साथ उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वन है, हायर पेयर जीरो है उस मैकेनिज्म में, कोई रिडंडेंसी नहीं है, एल आर आप जीरो ऑलरेडी मैं उसको लिख रखा हूं तो इसको नहीं करता है ना, ये फॉर्मूले में एल आर जीरो है, जे आर जीरो है, ठीक है। सो मैकेनिज्म जिसमें कोई रिडंडेंट लिंक नहीं है, कोई रिडंडेंट ज्वाइंट नहीं है, कोई रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, जीरो है और डिग्री ऑफ फ्रीडम वन होगा, मैकेनिज्म होता है सिंपल मैकेनिज्म, एंड दैट क्राइटेरिया, दिस क्राइटेरिया इज नोन एज ग्रबलर क्राइटेरिया। इसे क्या कहा जाता है? ग्रबलर क्राइटेरिया कहा जाता है, ग्रबलर्स क्राइटेरिया। तो ये कंडीशन को, जो भी मैकेनिज्म ये कंडीशन को फॉलो करेगा वो ग्रबलर क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है और वो सिंपल मैकेनिज्म होने वाला है। चलिए देखते हैं, अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वन हो गया, ये हो गया थ्री, थ्री को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया थ्री एल माइनस थ्री माइनस टू जे, एच तो जीरो हो गया बिल्कुल। तो यहां से अगर हम देखना चाहेंगे तो आपका थ्री एल माइनस थ्री माइनस टू जे माइनस वन इक्वल टू जीरो, एल इक्वल टू हो जाएगा फोर प्लस टू जे, होने वाला है बिल्कुल होने वाला है। यहां से एल दैट इज द नंबर ऑफ लिंक्स इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन आ रहा है फोर प्लस टू जे, फोर प्लस टू जे डिवाइडेड बाई, यही आ रहा है बिल्कुल सर, यही आ रहा है। तो दोस्तों मैकेनिज्म में नंबर ऑफ लिंक तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, वो हमेशा एक होल नंबर होगा, वन टू थ्री फोर इस तरीके से, और क्लोज काइनेमेटिक चैन के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो आपका यहाँ पे जो लिंक होगा है ना, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि अगर जो ज्वाइंट है, लेट अस अज्यूम यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड लगाते हैं, एल मैं लेता हूं पहले जे उसके बाद एल, अगर जे वन रहा, जे वन रहा तो एल क्या हो जाएगा टू, यहां पे अगर वन रखोगे तो फोर प्लस टू इज द सिक्स, सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री दैट इज एल, जो नंबर ऑफ लिंक्स होंगे वो टू। सो दो लिंक क्या क्लोज काइनेमेटिक चैन बना सकता है क्या, फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से कनेक्ट हो सकता है क्या? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर मैंने जे इज इक्वल टू टू रखा, तो j इज इक्वल टू टू रखा तो ये हो जाएगा आपका एट, एट डिवाइडेड बाई थ्री, तो ये होल नंबर नहीं आ रहा है, मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना, होल नंबर नहीं है तो उतना लिंक तो हो ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर मैंने j इक्वल टू थ्री किया तो ये हो जाएगा टू इंटू थ्री दैट इज योर सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन, टेन डिवाइडेड बाई थ्री, अगेन नॉट पॉसिबल। अगर j इज इक्वल टू फोर किया तो आपका ये हो जाएगा फोर इंटू टू एट, एट प्लस ट्वेल्व, ट्वेल्व डिवाइडेड बाई थ्री दैट इज गोइंग टू बी फोर, यस। और फोर में क्लोज काइनेमेटिक चैन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो ऐसे मैकेनिज्म जो ग्रबलर क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे होंगे उसमें मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स कितने आए? फोर। और जो ज्वाइंट है लोअर पेयर वो कितना आ रहा है? फोर। मतलब ग्रबलर क्राइटेरिया को जो फॉलो करता है उसे हम सिंपल मैकेनिज्म कहते हैं, और सिंपल मैकेनिज्म के लिए आपको कंडीशन मिल गया कि उसमें चार ज्वाइंट होना चाहिए और चार लिंक होना चाहिए कम से कम, मिनिमम। So minimum number of link must be four and joint is also four, जिसमें degree of freedom one है, higher pair, कोई redundancy नहीं है, है ना? So L minimum must be four for a simple mechanism, जो joint है वो भी आपको four देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सर। तो
तो जो भी इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा उसे सिंपल मैकेनिज्म कहते हैं, और इस बेसिस पे हमको जो सिंपल मैकेनिज्म मिला है जिसका डिग्री ऑफ वन हो, चार लिंक हो कम से कम, और आपके चार लोअर पेयर हो, है ना, तो वैसे सिंपल मैकेनिज्म्स हमको मिलते हैं तीन सिंपल मैकेनिज्म्स। नंबर वन, फोर बार मैकेनिज्म, नंबर टू सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ये जो तीनों मैकेनिज्म है ये सिंपल मैकेनिज्म्स होंगे जो कि ग्रेबलर क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, और ये तीनों मैकेनिज्म के बारे में हमको पढ़ना है दोस्तों। ये तीनों मैकेनिज्म है जिसका पूरा एनालिसिस हमारा फर्स्ट चैप्टर में होता है, और इसी का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एनालिसिस नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे। कितना इंटरेस्टिंग है, हमको पता चला कि यार ये सिंपल मैकेनिज्म्स है, ऐसा है तो मैकेनिज्म्स कितने भी पॉसिबल है, लेकिन हम स्टडी किसका कर रहे हैं, जहां से मतलब एक बेसिक जो चीज है वहां से हम बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे हैं, और इसी के बाकी चीजें बनती होगी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक। तो आपका ये जो सिंपल तीन सिंपल मैकेनिज्म, इसका एक एक करके हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम फोर बार मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं, फोर बार मैकेनिज्म। तो फोर बार मैकेनिज्म आपका ऑब्वियसली ग्रेबलर क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा होगा, ग्रेबलर क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, तो इस मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? वन। हायर पेयर जीरो, ऑब्वियसली। मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे इसमें? फोर। और आपका जो ज्वाइंट्स होंगे वो भी कितने होंगे? फोर। और ये जो ज्वाइंट्स होते हैं यहाँ, ये चारों के चारों ज्वाइंट्स टर्निंग पेयर होता है, चारों के चारों ज्वाइंट्स टर्निंग पेयर, या उसी को रिवर्स पेयर भी कहा जाता है, टर्निंग पेयर। अगर एक सिंपल फोर बार मैकेनिज्म बनाऊं, इट विल बी लाइक, ये तो हो गया फोर बार चैन। इसमें कोई भी एक लिंक को फिक्स कर दो, जैसे कि यहां पे आप देखोगे ये लिंक नंबर वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, चार लिंक है, चार टर्निंग पेयर है, बिल्कुल सर फॉलो कर रहा है। अब एक लिंक को फिक्स कर दिया फॉर द मैकेनिज्म, तो ये आपका फोर बार चैन होने वाला है, फोर बार मैकेनिज्म के एक लिंक कर दिया इस मैकेनिज्म, फिक्स नहीं था तब, फोर बार चैन था। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों यहां पे आपको एक फोर बार मैकेनिज्म दिख रहा है, और जैसे मैंने कहा है कि आप ये चारों लिंक में से कोई भी लिंक को फिक्स कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है, सर आपने लिंक नंबर वन को फिक्स किया, मैं लिंक नंबर टू को फिक्स करना चाहता हूं, कोई और लिंक नंबर थ्री को फिक्स करना चाहता है, कोई और लिंक नंबर फोर को फिक्स, तो यहां पे मैकेनिज्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लिंक्स हैं उसके साइज अलग अलग हैं, बिल्कुल सर मैकेनिज्म में अंतर देखने को मिलता है, और अलग अलग लिंक को अलग अलग टाइम फिक्स करके अलग अलग मैकेनिज्म अचीव कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन। इन्वर्जन इट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग, ऑफ अचीविंग मैकेनिजम्स,
बाय। डिफरेंट लिंक्स एट डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट टाइम। तो इसे वर्जन कहेंगे। यहाँ पे टोटल चार लिंक है दोस्तों, तो चार लिंक को अलग अलग टाइम में आप फिक्स करके चार मैकेनिज्म अचीव कर सकते हो। तो मैक्सिमम पॉसिबल इनवर्जन क्या हुआ, किसी भी मैकेनिज्म में अगर एन नंबर ऑफ लिंक्स है तो एन मैक्सिमम पॉसिबल जो इनवर्जन होंगे वो आपका इक्वल होगा जितने नंबर ऑफ लिंक्स होंगे उस मैकेनिज्म में। तो मैक्सिमम पॉसिबल इनवर्जन मैक्सिमम पॉसिबल इन्वर्जन इन अ मैकेनिज्म मैक्सिमम पॉसिबल इन्वर्जन इन अ मैकेनिज्म इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स एक्चुअली मैक्सिमम पॉसिबल इन्वर्जन इन अ चैन बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप फिक्स करते हैं तभी वो मैकेनिज्म बनता है, जब तक फिक्स नहीं किए हो लिंक को तो वो चैन ही है। मैक्सिमम पॉसिबल इन्वर्जन इन अ चैन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स अवेलेबल इन चैन। बिल्कुल सर। अब सवाल होता है कि सर चार इन्वर्जन पॉसिबल है, चारों के चारों क्या अलग होंगे? तो उसका आंसर है जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि डिस्टिंक्ट इन्वर्जन कितने हो सकते हैं, सो डिस्टिंक्ट इन्वर्जन मे बी लेस देन नंबर ऑफ लिंक्स, जो आपके चैन में जितने भी लिंक्स हैं, जैसे कि यहाँ पे चार लिंक है, यहाँ पे आपके चार लिंक है तो चार इन्वर्जन होने चाहिए। वो चारों के चारों इन्वर्जन एक दूसरे से अलग हैं, क्या ये जरूरी हो? तो उसका आंसर है नहीं, है ना, उसका आंसर है नहीं, जरूरी नहीं है कि वो चारों के चारों एक दूसरे से अलग हो। सो डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इन्वर्जन मे बी लेस देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इन्वर्जन मे बी लेस देन, मैं भी कह रहा हूं भाई, है ना। हो सकता है डिस्टिंक्ट इन्वर्जन वो जितने लिंक है, मतलब अगर यहाँ पे चार लिंक है, चार इन्वर्जन मिल रहा है, तो वो चारों के चारों एक दूसरे से अलग हो सकते, ये भी पॉसिबल है, हो सकता है दो इन्वर्जन से मिले। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इन्वर्जन मे बी लेस देन नंबर ऑफ लिंक ऑफ लिंक इन चैन, ये पॉसिबल है। देखेंगे कि फोर बार में कितने हमको इन्वर्जन मिलते हैं, क्या कोई इन्वर्जन सिमिलर है, तो सिमिलर होंगे वो ऑब्वियसली, वो डिस्टिंक्ट नहीं है, है ना, तभी तो सिमिलर कह रहे हैं। तो आपका डिस्टिंक्ट इन्वर्जन अगर दो आपके सिमिलर इन्वर्जन मिल रहे हैं, टोटल चार लिंक है, चार लिंक को फिक्स कर करके अलग अलग टाइम पे फिक्स करके आप चार मैकेनिज्म अचीव कर सकते हैं, चार इन्वर्जन आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ रहा है कि अगर दो इन्वर्जन आपके सिमिलर हैं, इसका ये मतलब हो गया कि टोटल तीन डिस्टिंक्ट इन्वर्जन, फोर, दो सिमिलर हो गए, उसके बाद बचे एक दो, और ये जो सिमिलर हो होंगे, होपफुली ये बात क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा इन्वर्जन का एक प्रॉपर्टी होता है ना, आई एम नॉट गोइंग टू यू नो उसको प्रूव करने नहीं जाऊंगा, उसके लिए आप पूरी क्लास जब देखेंगे, है ना, प्लस में, तो वहां पे मैं प्रूव करता हूँ। यहाँ पे तो सिंपल वो प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा कि इन्वर्जन की एक प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली वो जो पेरेंट चेन है, मतलब नहीं किया था वो उसका पेरेंट चेन, ओरिजिनल चेन, है ना, उसमें लिंक के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा वो हमेशा सेम रहने वाला है। सो
दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्जन. इन इन्वर्जन रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक्स links is always same. relative motion मतलब अगर link number 1 और 2 के बीच में relative motion देख रहे हो वो same होगा. for example दोनों के बीच में 50 है, so अगर इसको fix कर दिया, ये तो अभी 0 है, मतलब link number 2 जो होगा उसका आपका velocity 50 होगा, है ना, जो motion है. तो अगर मैंने कहा दोनों के बीच का relative velocity जो है वो आपका 50 है, अब आप जाके 2 को fix कर रहे हैं, 1 को fix कर रहे हैं, जो होगा वो 50 से घूम रहा होगा, तभी का जो रिलेटिव मोशन होगा वो क्या होगा, सेम रहने वाला है. लेकिन हुआ क्या, 2 का वेलोसिटी कितना था 50, लिंक नंबर 1 का वेलोसिटी कितना था 0, दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया 50. जब लिंक नंबर 2 को फिक्स किए तो लिंक नंबर 1 का वेलोसिटी क्या हो गया 50, जो कि पहले 0 था. सो जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है उसमें चेंज आ रहा है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा रहने वाला है. ठीक, एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी विल चेंज. तो ये आपको देखने को मिलता है. तो ये बात हो गई इन्वर्जन की. अब फोर बार जो मैकेनिज्म है उसका एनालिसिस करते हैं दोस्तों, कि ये किस तरीके से अलग अलग लिंक को फिक्स करके क्या क्या इन्वर्जन मिल सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं. तो पहली चीज, कोई भी लिंक कंप्लीट रोटेशन में है उसे हम क्रैंक कहेंगे. कोई भी लिंक, एनी लिंक इन कंप्लीट रोटेशन, एनी लिंक इन कंप्लीट रोटेशन उसे हम क्या कहने वाले हैं, क्रैंक कहने वाले हैं. उसे हम क्रैंक कहते हैं. कंप्लीट रोटेशन का मतलब 360 डिग्री ना, पूरा घूम सकता है, तो उसे क्रैंक कहेंगे. पार्शियल रोटेशन, एनी लिंक इन पार्शियल रोटेशन उसे हम रॉकर कहने वाले हैं, उसे हम रॉकर कहेंगे. ठीक, अब सवाल ये पैदा होता है, सर हम जानेंगे कैसे कि इस मैकेनिज्म में कौन सा लिंक कंप्लीट रोटेशन में है, कौन सा लिंक पार्शियल रोटेशन में है, सिर्फ देखकर कैसे बता सकते हैं. ये तो हम पेपर में सॉल्व करेंगे तो उसको घुमा के थोड़ी देखते रहेंगे, घूमेगा भी नहीं कर सकते. तो इसके लिए लॉ है, है ना, उसका नाम है ग्रासॉप्स लॉ. ग्रासॉप्स लॉ ये भाई साहब कहते हैं कि यार मेरे लॉ को फॉलो कर लो, आपको मिल जाएगा कि कौन सा लिंक कंप्लीट रोटेशन में है, या कितने लिंक कंप्लीट रोटेशन में है, और कौन सा लिंक कंप्लीट रोटेशन में नहीं है. और जितने कहूंगा ये बोल के गए हैं वही बातें कहने वाला हूं, ऐड नहीं कर रहा हूं, जो भी बातें कहूंगा ये भाई साहब बोल के गए. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि किसी भी मैकेनिज्म में एटलीस्ट वन लिंक, किसी भी, अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, फोर बार मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये जो ग्रासॉप्स लॉ अभी हम बात करने वाले हैं ये फोर बार मैकेनिज्म के लिए. उसी प्रकार सिंगल स्लाइडर के लिए इन्होंने जो बोल रखा है वो कुछ ना कुछ कन्वर्जन होगा, वो देखेंगे समय आने पे. वैसे ही डबल स्लाइडर में कुछ ना कुछ कन्वर्जन होगा, वो देखेंगे समय आने पे. मतलब ग्रासॉप्स जो है वो सिंपल मैकेनिज्म के लिए वैलिड है. और इन्होंने कहा है फॉर अ फोर बार मैकेनिज्म, फॉर अ फोर बार मैकेनिज्म एटलीस्ट वन लिंक
इनकम्प्लीट रोटेशन। एक लिंक, कम से कम एक लिंक कंप्लीट रोटेशन में हो, उसके लिए ये जो लॉ है ये सेटिस्फाई होना चाहिए। एस प्लस एल मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू पी प्लस क्यू। टोटल कितने लिंक थे? फोर बार में चार लिंक थे, और यहां पे जो मैंने लिख रखा है ये चारों लिंक के लेंथ हैं। उसमें ये कह रहा है कि जो एस है वो शॉर्टेस्ट लिंक का लेंथ है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक। Length of shortest link, L is length of largest link, अब shortest और largest अगर आपका link का length मिल गया तो बच्चे दो link के जो length हैं that is your P and Q, so P and Q is the length of remaining link, length of remaining link. या आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये इसके आगे भी इन्होंने बता रखा है कि यार ये लॉ तो सेटिस्फाई अगर कर रहा है किसी मैकेनिज्म में, लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, पहला केस नंबर वन ये हो सकता है। केस नंबर वन जो पॉसिबल है कि एस प्लस एल जो आपने देखा उस मैकेनिज्म shortest link, अच्छा इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे? ग्रासहॉपर लॉ को वर्ड्स में अगर आपको बोला जाएगा तो ये लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। ये कह रहा है ग्रासहॉपर लॉ कि फॉर अ फोर बार मैकेनिज्म एट लीस्ट वन लिंक इन कंप्लीट रोटेशन व्हेन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक मस्ट इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग टू लिंक, ठीक है। ये आपका ग्रासहॉपर लॉ है, ये शब्दों में आप लिख सकते हैं, पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूं कि यार ये लॉ सेटिस्फाई किया, मैंने एक मैकेनिज्म दिया फोर बार मैकेनिज्म और उसमें एस प्लस एल जो है वो लेस देन आया पी प्लस क्यू, तो हमारा जो लॉ है वो सेटिस्फाइड है, इज सेटिस्फाइड, यस लॉ इज सेटिस्फाइड। सब सेटिस्फाइड है। अब लॉ अगर सेटिस्फाइड है इसका ये मतलब हो गया कि एटलीस्ट लिंक उसमें कंप्लीट रोटेशन, एटलीस्ट वन लिंक कंप्लीट रोटेशन होगा, ये पक्की बात है। अब इसके आगे ये मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रासहॉपर साहब कह के गए हैं कि आपका अगर उस मैकेनिज्म में देख रहे हो, पहला कंडीशन देखिए क्या शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स है, पहला कंडीशन शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स, अगर शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स्ड है मतलब एस फिक्स्ड है, आपने चेक किया शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स्ड है, सेटिस्फाइड हो रहा है, तो वो डबल मैकेनिज्म क्या होगा, वो होगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म, या उसी को हम क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म। इनपुट और आउटपुट जो है वो अगर कंप्लीट रोटेशन में है, जो लिंक कंप्लीट रोटेशन में होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्रैंक कहेंगे। और जो नामकरण अभी देने जा रिमेंबर दिस, लिख लो कॉपी में कि ये जो नामकरण होता है ये लिंक के बेसिस पे होता है। अगर हम यहां पे बात करें कि ये मेरा इनपुट लिंक है, ये मेरा आउटपुट लिंक है, सो ये रोटेशन में ये कंप्लीट रोटेशन है तो क्रैंक मैकेनिज्म, अगर ये कंप्लीट रोटेशन में ये पार्शियल रोटेशन में है तो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, ये आपका कंप्लीट रोटेशन में या पार्शियल रोटेशन में है तो आपका क्रैंक रॉकर क्रैंक मैकेनिज्म, दोनों पार्शियल रोटेशन में है तो आपका रॉकर रॉकर मैकेनिज्म। नामकरण जो हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है, इनपुट और आउटपुट लिंक। लेकिन मैंने यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है वो देखिए कि कोई भी लिंक जो कंप्लीट रोटेशन में हो क्रैंक, कोई भी लिंक रोटेशन में हो उसे रॉकर कहते हैं, लेकिन जो नामकरण होगा वो किस बेसिस पे, इनपुट और आउटपुट लिंक अगर कंप्लीट रोटेशन में है
तो उसे क्रैंक क्रैंक कहेंगे। इनपुट या आउटपुट में से कोई भी लिंक आपका पार्शियल रोटेशन में है तो उसे हम रॉकर कहने वाले हैं, तो उस बेसिस पे नामकरण होगा। समझ में आया आप क्या बोला मैं? ठीक है, तो थर्ड लिंक जो है नामकरण में कोई सिग्निफिकेंस ऐड नहीं करने वाला, ये वाला जो लिंक है ये कोई सिग्निफिकेंस ऐड नहीं करने वाला। इस मैकेनिज्म में अगर हम बात करें तो इस लिंक को मैं फिक्स लिंक कहूंगा, दिस इज द फिक्स लिंक। और ये आजू बाजू है फिक्स लिंक के, ये वाला लिंक और ये वाला लिंक, तो इसे एडजेसेंट टू फिक्स कहेंगे। एडजेसेंट टू फिक्स, और ये जो है इसे हम कपलर कहते हैं, कपलर लिंक, अपोजिट टू फिक्स। अपोजिट टू फिक्स को क्या कहा जाता है? कपलर कहा जाता है, अपोजिट टू फिक्स। इसका यह मतलब हुआ कि जब हम इसको फिक्स ना करके लिंक नंबर टू को फिक्स करेंगे तो ये फिक्स लिंक हो जाएगा, ये आपका एडजेसेंट टू फिक्स हो जाएगा, ये कपलर हो जाएगा। इसको फिक्स करूंगा तो ये कपलर हो जाएगा, ये एडजेसेंट टू फिक्स हो जाएगा। इसको फिक्स करूंगा तो ये एडजेसेंट टू फिक्स हो जाएगा, ये कपलर हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इस तरीके से होने वाला है। तो मैं कह रहा हूं कि जब आप चेक किए मैकेनिज्म में लॉ सेटिस्फाई कर रहा है और शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स है, शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स है, लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, तो गारंटी है कि इनपुट और आउटपुट दोनों कंप्लीट रोटेशन में होंगे, तो उसे आप क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म कहेंगे। ये कौन कह रहा है? ये ग्रसाप्स कह के गए। उसी प्रकार अगर आपने चेक किया, जरूरी है क्या शॉर्टेस्ट लिंक लॉ सेटिस्फाइड होने के बाद शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स हो? ना, नहीं हो सकता, मे बी। तो पहला कंडीशन अगर नहीं आया तो दूसरा कंडीशन देखिए, शॉर्टेस्ट लिंक क्या एडजेसेंट टू फिक्स है? शॉर्टेस्ट लिंक एडजेसेंट टू फिक्स है, एडजेसेंट टू फिक्स। अगर शॉर्टेस्ट लिंक एडजेसेंट, देखो पहला कंडीशन अगर सेटिस्फाई किया तो क्रैंक क्रैंक, अगर ले जाओगे तो आपका लिंक एटलीस्ट कंप्लीट रोटेशन होगा इनपुट या आउटपुट में से, है ना। जो आपका शॉर्टेस्ट लिंक होगा एडजेसेंट टू फिक्स, जो लिंक होगा वो कंप्लीट रोटेशन होगा। गेटिंग माय पॉइंट? है ना, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये शॉर्टेस्ट लिंक हो गया, ये इस तरीके से कोई मैकेनिज्म है, ये शॉर्टेस्ट है, इसको फिक्स किया तो ये गारंटी कंप्लीट रोटेशन में होगा, लॉ सेटिस्फाइड है, शॉर्टेस्ट लिंक कंप्लीट रोटेशन में होने वाला है। तो आपका एक लिंक कंप्लीट रोटेशन में है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रैंक। और दूसरा लिंक आपका पार्शियल, जो आउटपुट लिंक है अगर वो पार्शियल रोटेशन में है तो उसे हम रॉकर कहेंगे, तो क्रैंक रॉकर, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। अच्छा, ये भी तो हो सकता है जो शॉर्टेस्ट लिंक है, जैसे मैंने ये एक एग्जाम्पल, अच्छा यहीं पर ये कर देता हूँ, एक कंडीशन ये हो गया लॉ सेटिस्फाइड है, और ये शॉर्टेस्ट लिंक है, ये लॉन्गेस्ट लिंक है, लेट अस अज्यूम, है ना, और इसको हमने फिक्स किया, ये पी है, ये क्यू है, लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है। तो अभी एडजेसेंट टू जो शॉर्ट फिक्स है वो है। सिमिलरली ये भी तो हो सकता है, वो एडजेसेंट टू फिक्स इधर भी तो आ सकता है ना भाई, is like this, let us assume ये p है, ये q है, दिख तो नहीं रहा है, तो इसको l बोल दिया, ये p हो गया, ये q हो गया, और ये s हो गया, loss satisfied है। अभी input ये है आपका, ये input है, ये output है, यहाँ पे ये input था, ये output है, लॉ सेटिस्फाइड है, शॉर्टेस्ट लिंक एडजेसेंट टू फिक्स बन रहा है, तो ये हो गया क्रैंक, ये हो गया रॉकर, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ये आपका लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है, आपका जो एस है वो एडजेसेंट टू फिक्स है इस केस में भी, बिल्कुल सर। सो आपका इनपुट जो होगा वो पार्शियल रोटेशन में होगा, आउटपुट जो होगा वो कंप्लीट रोटेशन में होगा, तो ये रॉकर क्रैंक। सो क्रैंक रॉकर बोलो या क्रैंक रॉकर बोलो या रॉकर क्रैंक बोलो, दोनों सेम है। इसका ये मतलब है दो सिमिलर मैकेनिज्म हमको मिल रहा है,
इसका ये मतलब है कि एक दो और तीसरा एक कंडीशन ये है कि शॉर्टेस्ट लिंक अगर कपलर बन गया, शॉर्टेस्ट लिंक कपलर बन गया, शॉर्टेस्ट लिंक कपलर है, कपलर है, सो दिस मस्ट बी लाइक दिस, ऐसा कुछ ये शॉर्टेस्ट लिंक हो गया, ये लॉन्गेस्ट हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, लॉस सेटिस्फाइड हो रहा है एस आपका कपलर हो गया है। सो इस समय इनपुट और आउटपुट दोनों आपका पार्शियल रोटेशन में होगा, ये और ये पार्शियल रोटेशन में, तो पार्शियल रोटेशन मतलब रॉकर, ये भी रॉकर, तो ये आपका डबल रॉकर मैकेनिज्म देगा, डबल रॉकर। Hopefully clear. तो जब less than है तब loss satisfied हुआ, तब ये हुआ। अगर दूसरा condition क्या हो सकता है, case number 2, S plus L is equal to P plus Q, है ना, और इसमें equal pair of length के links है, है ना, इक्वल माफ करना, इसको लिखता हूं इक्वल लेंथ ऑफ लिंक, पेयर ऑफ इक्वल लेंथ लिंक्स, ठीक। मतलब देखो अगर पेयर ऑफ इक्वल लेंथ लिंक नहीं है, लॉस सेटिस्फाइड है, ये लॉ तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू बोला था, इक्वल टू आ रहा है, लॉ सेटिस्फाइड है, और अगर आपका पेयर ऑफ इक्वल लेंथ लिंक नहीं है तो ये सेम इस कंडीशन को फॉलो करेगा, सेम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन अगर इक्वल पेयर है, जैसे कि क्या कह रहा हूँ, ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ से आता है, एक जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, और एक जो पॉसिबिलिटी है लाइक दिस, लेट अस अज्यूम ये एस है, ये एस है, ये एल है, ये एल है, तो आपके जो पेयर ऑफ लिंक्स हैं है ना, उसका लेंथ क्या है, इक्वल है, बिल्कुल, ये एस है, ये एस है, ये एल है, ये एल है, तो ऐसे और हो सकते हैं, बिल्कुल सर। सो इसमें कोई आप किसी भी लिंक को फिक्स करके मैकेनिज्म अचीव कर सकते हैं। इसमें से जो मैकेनिज्म मिलता है उसे हम डेल्टॉइड मैकेनिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, डेल्टॉइड, और इसमें जो मैकेनिज्म मिलता है उसे हम पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। बहुत ध्यान से एक चीज देखिए, पैरेललोग्राम में अगर मैंने ये लार्जेस्ट लिंक को फिक्स किया, लार्जेस्ट लिंक को फिक्स किया, तो जो शॉर्टेस्ट लिंक है वो एडजेसेंट टू फिक्स हो गया, ये आपका कंप्लीट रोटेशन में होगा, ये भी कंप्लीट, शॉर्टेस्ट लिंक तो कंप्लीट रोटेशन में ही होता है सर, अगर वो एडजेसेंट टू फिक्स सेटिस्फाइड है, यही तो बोला था यहाँ पे, अगर आपका शॉर्टेस्ट लिंक एडजेसेंट टू फिक्स है तो आपका लॉ सेटिस्फाइड है, तो गारंटी है वो किस में होगा, कंप्लीट रोटेशन में होगा, मतलब यहाँ पे ये आपका कंप्लीट रोटेशन में होगा, ये भी कंप्लीट रोटेशन, तो ये क्या दे देगा, क्रैंक मैकेनिज्म। अगर मैंने शॉर्टेस्ट लिंक, देखिए पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, एक पॉसिबिलिटी इसको फिक्स करेंगे सर, तो अगेन है कि जो शॉर्टेस्ट लिंक है वो एडजेसेंट टू फिक्स है, तो क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी है, इसको फिक्स कर दो, अब इसमें देखिए शॉर्टेस्ट को फिक्स किए है, तो शॉर्टेस्ट फिक्स होता है तो हमेशा क्या देता है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। सो आप लॉन्गेस्ट को फिक्स करो या शॉर्टेस्ट को, लॉन्गेस्ट को फिक्स करो या शॉर्टेस्ट को, ये हमेशा क्या देगा, ऑलवेज डबल क्रैंक मैकेनिज्म। जो पैरेललोग्राम है
वो ऑलवेज डबल क्रैंक मैकेनिज्म देने वाला है। ऑलवेज डबल क्रैंक मैकेनिज्म। और जो डेल्टॉइड है इसमें अगर मैंने इसको फिक्स किया लॉन्गेस्ट लिंक, तो आपका एस जो है यहां पे एडजेसेंट टू फिक्स होगा। बिल्कुल सर, पहला देखो याद रखना, पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया तो नीचे के ये दो कंडीशन नल एंड वॉल नलीफाइड हो जाएंगे, दो कंडीशन नहीं देखना। दूसरा कंडीशन, पहला नहीं हुआ सेटिस्फाई तब दूसरे में आऊंगा, तो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो तीसरा आपका नलीफाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए, आपका अगर एल को फिक्स कर रहा हूँ तो एस जो है वो एडजेसेंट एडजेसेंट टू फिक्स होगा, शॉर्टेस्ट लिंक है एडजेसेंट टू। तो ये मत बोलना कि सर ये तो कपलर बन रहा है तो तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर दूसरा किया तो तीसरा तो ऐसे ही हट गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करता है उस समय क्या बनता है, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई किया तो क्रैंक रॉकर बनेगा। तो अगर आपने लॉन्गेस्ट लिंक, चाहे ये वाला लॉन्गेस्ट लिंक हो, अगर इस लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स करेंगे तो ये वाला एस टू फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो लॉन्गेस्ट लिंक को जब आप फिक्स करते हैं, एल जब आपका फिक्स होता है तो उस समय ये क्या देता है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। और अगर आपने शॉर्टेस्ट को फिक्स किया तो सर शॉर्टेस्ट फिक्स होता है तो लॉ सेटिस्फाइड है, तो ये हमेशा क्या देगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। सो होपफुली आपको ये बात समझ में आया कि ग्रिसाप्स लॉ किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हमारा मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म है। ये दो केसेस हुए। केस नंबर थ्री क्या पॉसिबल है, लॉ सेटिस्फाइड ना हो सर? केस नंबर थ्री भी तो पॉसिबल है, एस प्लस एल इज ग्रेटर देन पी प्लस क्यू। तो लॉ सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई भी लिंक कंप्लीट रोटेशन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्रिसाप्स लॉ तो यही कहता है ना, ग्रिसाप्स लॉ ये कह रहा है कि फॉर एटलीस्ट कम से कम एक लिंक, और लॉ सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो जीरो हो जाएगा। तो आपका लॉस सेटिस्फाइड नहीं है उस समय कोई भी लिंक कंप्लीट रोटेशन में नहीं है, कोई भी लिंक। सो इसे आप हमेशा कहेंगे डबल रॉकर, इनपुट और आउटपुट के बेसिस पे इसे ऑलवेज डबल रॉकर मैकेनिज्म, ऑलवेज डबल रॉकर मैकेनिज्म। ठीक, तो डबल रॉकर, डबल क्रैंक, क्रैंक रॉकर, डबल क्रैंक मैकेनिज्म ऑलवेज, आपका ये डबल रॉकर। डबल रॉकर इसमें कब होगा, लॉ सेटिस्फाइड होने के बावजूद, जब एस कपलर बनेगा। लेकिन लॉ सेटिस्फाइड नहीं है तो हमेशा करने वाला है डबल रॉकर मैकेनिज्म होगा। अच्छा, एक चीज और कि यार अगर लॉ सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका इनपुट आउटपुट तो कंप्लीट रोटेशन में नहीं आएगा। साथ के साथ लॉ सेटिस्फाइड नहीं है तो एक बात हमको ये भी समझ में आता है कि एक को लिंक कंप्लीट रोटेशन में, कोई भी लिंक कंप्लीट रोटेशन में नहीं है। आउट ऑफ दी फोर एक तो फिक्स कर दिए, तीन जो बच्चे हैं जिसमें मोशन हो रहा है, बिलिंग कंप्लीट रोटेशन, क्या इसे हम ट्रिपल रॉकर भी कह सकते हैं? तो ये एक बार इसरो में पूछ भी दिया गया था, है ना, तो इसे कई जगह आप ट्रिपल रॉकर के नाम से भी जानेंगे। तो यस, लॉस सेटिस्फाइड नहीं है तो इसे ट्रिपल रॉकर मैकेनिज्म भी कहते हैं, ट्रिपल रॉकर। नॉर्मली हम इनपुट और आउटपुट के बेसिस पे देखते हैं, आपने देखा है ना, ये कंप्लीट रोटेशन में नहीं है, तीनों लिंक ट्रिपल भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जहां पर ग्रिसाप्स लॉ सेटिस्फाइड नहीं होता उस कंडीशन में उसे डबल रॉकर, ऑप्शन में आपका ट्रिपल रॉकर है तो ट्रिपल रॉकर के लिए भी आपको जाना चाहिए। होपफुली क्लियर। हमने फोर बार मैकेनिज्म का एक एनालिसिस अभी देखा है, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा फोर बार मैकेनिज्म पे। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।